Yo, what's up? Hello, guys. तो आपने पिछली बार देखा था कि हमने इवन रन खेला था। आज हम दोबारा से इवन रन खेलने वाले हैं, लेकिन इस बार हम करने वाले हैं बैन एस्केप। और बैन एस्केप के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो गाइस चलो हम आज करते हैं बैन एस्केप। और वैसे भी इवन रन बहुत ही अजीब है और वाहियात भी दिखती है, तो गेम तो बिल्कुल एकदम मस्ती वाला होने ही वाला है और फुल हॉरर है गाइस। लेट्स गो। इंट्रो तक इसका खतरनाक है, साउंड क्वालिटी भी। बस अब हमें पढ़ने वाली है बहुत जोर से, वो भी बूम, बहुत जोर से मारा। फिर से एक बार। ओके, डे वन, आई हैव टू बी गुड, आई एम मुस्कान, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो इस बार हमें पता है कि पैनल हमें लगाना है तभी वो चीज़ें खुलेंगी। तो सबसे पहले हम ये खोल लेते हैं, शायद यहाँ कुछ मिल जाए। बट वही कॉइन्स, इसे कॉइन भी अच्छे होते हैं, कलेक्ट करने चाहिए। बट सबसे पहले मैं, मुझे तो ऐसा, ओ इस बार क्रोबार यहीं पर है, वाह। क्या करें हम इस क्रोबार से, ये करें बट पड़ी मेरे को क्योंकि वो हमारे पीछे ही है जस्ट। मुझे एक्चुअली आवाज़ आई और वो नीचे से खिसकती हुई आ रही है। ओके, तो मुझे ये चीज़ यहाँ ड्रॉप करनी थी, मुझे यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। ओके, तो ज़्यादातर गाइस इलेक्ट्रिक पैनल यहीं, मतलब स्मॉल केबल यहीं पे मिल जाती है। ओ वाओ, वी आर वेरी लकी गाइस, हमें येलो की भी यही मिल गई है जो वैन एस्केप में बहुत काम आती है। ओके ओके, वो आ गई। जैसी वो आती है ना, म्यूजिक सच में बहुत खतरनाक हो जाता है। ओके, तो ये लगा के हम सबसे पहले नीचे चलते हैं और क्रोबार उठाते हैं और साथ में गेट खोल देते हैं क्योंकि हमें क्रोबार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस वैन एस्केप के लिए। डोर एस्केप के लिए इतना क्रोबार का मुझे ज़रूरत लगा नहीं। ओ शिट, वो यहाँ से आ रही है, मुझे लगे था वो कहीं ना कहीं से आ ही रही है बट मुझे ये नहीं लगा था कि वो राइट साइड से आ रही हो। सो फिलहाल मैं चेक करूँ, हाँ दे वहीं से आ रही है। ओके, तो मुझे यहाँ से पहले निकलना चाहिए, वापस से घूमना पड़ेगा मुझे दोबारा। वो मैं यहाँ से अटक गई क्योंकि मुझे उस इधर साइड जाना है। ये हमारे टॉयलेट्स हैं गाइस, हाँ, तो मुझे यहाँ जाना है और ये नेल्स निकालने। आवाज़ हुई है, पक्का वो यहाँ आएगी। ये रहा वो स्वीयर और यहाँ भी आवाज़ हुई है गाइस। ओ बस बस, आराम से आराम से। ओके, तो यहाँ से चलो, ये रहा वो गाइस, यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं। बट ये सब क्या है मुझे नहीं पता। कुछ भी नहीं है, इट्स ब्लॉक्ड। वेट वेट वेट, ओह ये रही वो वैन। ओके ओके, तो ये है वो वैन। हमें एक्चुअली यहाँ से जाना चाहिए वापस। ओह शिट,
चट 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 इवन ना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बच गई बच गई शिट बचो बच गई बच गई बच गई बच गई निकल मैं डक गई बच गई बच गई बच गई बच गई मुझे यहाँ हाइड हो जाना चाहिए बच गई मैं वहाँ अटक गई थी मुझे लगा था मैं तो गई ओके ओके बंच ऑफ कीज ये बंच ऑफ कीज कहाँ काम आएगी मुझे नहीं पता बट ठीक है बंच ऑफ कीज गेट जो गेट लॉक्ड होंगे ना उसको खोलने में काम आ जाएगी के तो वो भाग गई है कि मुझे यहाँ से इसके पीछे से निकल जाना चाहिए वैसे इसने मुझे देख लिया होगा आई थिंक ये गेट मैंने एक्सेस कर लिए वाव नाउ मुझे काम करना चाहिए मुझे येलो की लानी चाहिए और येलो की देखना चाहिए कहाँ लगेगी तो लेट्स गो गाइस बाकी बंच ऑफ कीज हम थोड़ी देर लेते हैं मुझे यहाँ ड्रॉप करना चाहिए ईवेल लन आएगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी वो आ रही है गाइस वो आ रही है इसने मुझे देख लिया गाइस ओ निकलो 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 भाई जो इस गेम में हार्ट बीट की साउंड आती है ना वो सच में बहुत वो लगती है हम यहाँ से जा सकते हैं गाइस ओके तो हमें अरे हमने वाला चीज खोल दिया है थे है ना तो हम यहाँ से भी तो निकल सकते हैं ना हाँ ये गेट तो खुल गया है तो हम यहाँ से निकलते हैं ओके तो ये वो है रेलो की जो हमने देखा था टेंट पॉट यहाँ छुप के हम थोड़ा सोचते हैं इसका क्या ही होगा ये पेंट पॉट का क्या होगा मुझे नहीं पता मुझे लगा था कुछ अच्छा सा मिलेगा ये पेंट पॉट मिला है इतना वाहियात सा भाई कभी तो कुछ ढंग का दिया करो पेंट पॉट दिए हो इसका क्या मजा डाले ओके आई थिंक वैन दोबारा आ रही है वेल जैसी नहीं दिख रही मुझे ओके ये डबल टैंक ओ यू मेस्ड अप विद द क्लोथ्स थैंक गॉड कि यहाँ पे ईवेल नन नहीं है बट अब करना क्या है मतलब ओके ओके ये फिर से कुछ कर रही है अच्छा इसने कपड़े वपड़े रखे ये दोबारा सोने चली गई अच्छा गंदे कपड़े उसने वापस वहाँ रखे ओके खाली टैंक फुल ऑफ क्लोथ्स तो मुझे लग नहीं रहा ये क्या हुआ हम टैंक के ओ हम इस टैंक जो ट्रंक था नॉट टैंक है भगवान मैं टंक ट्रैंक क्या बोली जा रही हूँ ट्रंक है इसके अंदर ओके वो उठी हाँ वाह उठने का तरीका क्या था सीधे चेयर पे खड़ी हो गई आके ओ लुक एट हर फेस मतलब इवन ओ कंप्लीट हो गया वाह वैन एस्केप भी हो गया हमारा इट्स गुड बेचारी इवेल नन क्या हुआ उसका लो हमने वैन एस्केप भी कर लिया गाइस मज़ा आया हमारी ठोकाई भी नहीं हुई अच्छा है बच गए हम आप और हमने वैन एस्केप भी कर लिया हमें रिवॉर्ड भी मिला है नाइस ओके गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय नेक्स्ट टाइम मिलेंगे टाटा